इन बिहार. आई हैव विथ मी सुशील मोदी, द डिप्टी सीएम ऑफ बिहार. सुशील जी, आप लोगों का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है घर वापसी, मोदी जी और अमित शाह का, खासकर नीतीश जी का घर वापसी कराने में आप सफल हो गए. देखिए, अगर ये उनकी घर वापसी हुई है तो इसके लिए लालू यादव जिम्मेवार हैं, तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं. उन्होंने ये बेनामी संपत्ति का पहाड़ अगर इकट्ठा नहीं किया होता तो ये गठबंधन चलता रहता. तो ये गठबंधन को हम लोगों ने नहीं तोड़ा है, ये लालू यादव अपने पाप के कारण उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया. अपने तो बर्बाद हो ही गए, अपने बच्चों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया. जेडीयू की तो एक ही मांग थी कि बेनामी संपत्ति के बारे में जनता के बीच आइए, बताइए ये संपत्ति कहाँ से आई, कैसे आई. अगर उसका जवाब दे दिए होते तो गठबंधन चलता रहता. आप इस पूरे बेनामी संपत्ति करप्शन पे क्रैकडाउन के सूत्रधार रहे हैं और अब चूंकि आप सरकार के अंग बन गए हैं, पहले तो अब केंद्र सरकार उन पर काफ़ी अटैक किया, अब क्या आपको लगता है कि यहाँ की ईओयू, जैसा कि रीतलाल यादव के साथ आप लोगों ने किया था, संपत्ति जब्त की थी जो कई बेनामी संपत्तियाँ, उस तरह की भी कार्रवाई होगी लालू जी पर और आप उन सब कागजातों को भी खोज निकालेंगे? देखिए, जो बिहार सरकार के दायरे में होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी. और हम ही लोगों के समय में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम बना था जिसमें भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान था और आधे दर्जन लोगों की संपत्ति जब्त हुई थी. तो फिर हम लोग बैठेंगे, रिव्यू करेंगे उसमें क्या अड़चन है, क्या बाधा, क्या गतिरोध है. और क्या लालू यादव ही नहीं, और भी इस तरह की जो बेनामी संपत्तियां हैं उनका पता लगाएंगे. और जो राज्य सरकार के दायरे में आता है, क्योंकि तो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो भारत सरकार का बना हुआ है उसमें कार्रवाई करने का अधिकार केवल भारत सरकार को है. लेकिन बिहार का जो विशेष न्यायालय अधिनियम है उसके दायरे में कौन कौन लोग आते हैं, क्या आते हैं, ये सारा रिव्यू होगा, विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्रवाई होगी. तेजस्वी ने कल धरना दिया राजभवन के सामने और उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, जेडीयू के विधायक भी संपर्क में हैं, बीजेपी के भी विधायक संपर्क में हैं, आप लोगों ने विधायकों को कैद करके रखा है. अभी तो सारे विधायक घूम रहे हैं, ले जाएं विधायकों को. देखिए, ये बोलने में क्या लगता, मैं भी कह सकता हूँ कि राजद कांग्रेस के दो दर्जन विधायक हमारे संपर्क में हैं. ये कहना तो बहुत आसान है, क्यों नहीं उन्होंने दावा पेश किया. राजभवन टेलीफोन जब किया उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम दावा पेश करने आ रहे हैं. और रात को जब 2 बजे भी गए तो कांग्रेस के लोग उनके साथ नहीं थे और उस समय भी कोई समर्थन का पत्र लेकर नहीं गए. तो इनके पास बहुमत कहाँ, कांग्रेस राजद दोनों अगर मिल भी जाएं तो ये आंकड़ा 107 को पार नहीं करता है. और यहाँ तो 132 का आंकड़ा हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, जिनके समर्थन का पत्र हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ करने ग्रहण के लिए आमंत्रित किया था. और कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अगर है उनके पास विधायक तो कल सदन के अंदर उनसे वो वोट करवा लें. नीतीश जी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने एक केस का भी हवाला दिया है कि उन पर भी FIR दर्ज है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए. देखिए, आज माननीय पूर्व मंत्री ललन सिंह इसका पूरा जवाब दे दिया है, तो पूरा डिटेल उसका जवाब दिया गया है. और इसलिए जनता दल यू सक्षम है इस मामले का जवाब देने के लिए. राहुल गांधी ने आज नीतीश कुमार को अपॉर्चुनिस्ट कहा है. देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने वीरभद्र सिंह और तेजस्वी यादव का अगर इस्तीफा करा लिया होता, और मुझे ये बताएं राहुल गांधी, क्या भ्रष्टाचार से समझौता करना ये अवसरवाद है, क्या भ्रष्टाचार से लड़ना ये नैतिकता है? देखिए, लड़ाई थी अवसरवाद और नैतिकता के बीच की लड़ाई थी. और मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लालू के सामने घुटना नहीं टेका, करप्शन के सामने घुटना नहीं टेका, लड़ते रहे और खतरा मोल लिया, उन्होंने रिस्क मोल लिया. और ऐसे बिरले लोग होते राजनीति में जो सिद्धांत और मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं. और इसलिए मैं नीतीश जी को खास धन्यवाद देना चाहूँगा, नहीं तो चाहते तो सरकार चला सकते थे उन लोगों के साथ में. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी कीमत पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूँगा. नीतीश जी ने भी एक तरीके से मोदी जी रिस्क लिया है, जिन मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ लड़ाई करके वो बाहर निकले थे, फिर वापस आए हैं. और जो हाल बीजेपी ने शिवसेना के साथ किया, क्या उम्मीद रखें कि आप लोग नीतीश कुमार के साथ वो ना करेंगे? देखिए, हर राज्य की स्थिति अलग अलग है और बहुत बेहतर संबंध है, बहुत बेहतर तालमेल है. और नीतीश कुमार ने भी 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी को देखा है और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत नज़दीक से मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार को देखा है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने 7.5 साल एक बेहतरीन गठबंधन चलाया बिहार में, विकास के नए आयाम हम लोगों ने खड़े किए, बिहार को देश के सभी राज्यों से विकास दर में आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी तरह से फिर हम लोग दोनों मिलकर, दोनों ये पूरा गठबंधन मिलकर
बिहार को आगे बढ़ाने का काम। तो आप ही लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ लिया, तो क्या फॉर्मूला क्या होगा, कितने मंत्री शपथ लेंगे? 14-14 का सुना जा रहा है। पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला इजाद किया था कि इतने नंबर ऑफ MLAs पर इतना मिनिस्टर। नहीं, अभी इस सब पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले हम लोग विकास जो बहुमत है कल हासिल करेंगे, विश्वास मत हासिल करने के बाद इन सब चीज़ों पर बैठकर विचार करेंगे। एक आखिरी सवाल यह है कि राजद के एक विधायक हैं महेश्वर यादव, उन्होंने बिगुल फूंक दिया है लालू जी के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि लालू जी ने पुत्र मोह में तिलांजलि दे दी महागठबंधन सरकार की, और नीतीश कुमार एक अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर के बाद। जब देखिए आगे बहुत कुछ क्या क्या होता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए आगे। आप क्या संपर्क में हैं राजद विधायकों से? देखिए संपर्क में तो सब लोग हैं, लेकिन देखिए अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं। ये भी कहा राजद विधायक ने कि मेजॉरिटी की फीलिंग यही है RJD में कि पुत्र मोह में उन्होंने तिलांजलि दे दिया, ये ऑन रिकॉर्ड बोला। देखिए अगर ये ठीक ही कहा उन्होंने, अगर तेजस्वी को हटा कर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना दिए होते, लेकिन लालू जी तो राबड़ी को नहीं छोड़ सकते हैं, बेटों को नहीं छोड़ सकते हैं, उनके लिए पूरी राजनीति अपने परिवार तक सीमित है। अगर उन्होंने तेजस्वी का इस्तीफा लेकर किसी दूसरे को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया होता तो आज उनकी वो दुर्गति नहीं होती, आज उनकी दुर्गति हो रही है। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो आपने जो किया वही आप काटिएगा। और अभी तो देखिए उनके जो विधायक हैं, कल तक सत्ता में थे, सरकार में थे, सरकार में रहने का लाभ मिल रहा था, अब सड़क पर चले आए हैं, और सबसे ज़्यादा लाभ तो राजद के विधायकों ने उठाया। पिछले 2 साल में या 20 महीनों में मेरे पास तो जितनी शिकायत आती थी कि राजद के लोगों ने जमीन कब्जा कर लिया, राजद के लोगों ने अपराध में शामिल, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अब उनको मालूम पड़ेगा कि सरकार के बाहर जाने का क्या परिणाम होता है। रात में आप लोगों ने आनन फानन में एक तरीके से एक मिडनाइट कू हो गया, और एक तरीके से नीतीश कुमार का मिडनाइट इंडिपेंडेंस कहा जाए, लगता है जैसे कि सारा कुछ मैनेज्ड, कोरियोग्राफ्ड। आप लोग की डिनर की भी तैयारी थी CM हाउस में, पहले से सब कुछ तय था? नहीं नहीं, डिनर तो क्या, 50 आदमी के डिनर में क्या लगता है, 100 आदमी का डिनर बना हुआ है और 100 आदमी के खाने को 150 लोग खा सकते हैं। देखिए मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि अगर जो भी स्थिति बनी उसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव जिम्मेवार हैं, और कोई चीज़ प्रीस्क्रिप्टेड नहीं है। और देखिए जब हमारे पास बहुमत है, संख्या बल है, हमने अपने विधायकों का आकलन किया, सारे विधायक कह रहे हैं कि जदयू के साथ जाना चाहिए, नीतीश कुमार ने अपने विधायकों का आकलन किया, वो कह रहे हैं कि BJP के साथ जाना चाहिए, तो फिर देर किस बात की? और इसलिए अगर जल्दी हुआ तो इसमें भी लोगों को आश्चर्य लग रहा है, देर होती तो लोग कहते बहुमत नहीं है, इन्होंने थोड़े जुगाड़ करने में लगे हैं। अगर यही अगर हम 24 घंटा देर करते तो आरोप लगता है कि जुगाड़ करने में लगे हुए थे। अभी हमको जुगाड़ की आवश्यकता क्या है, जब 132 विधायकों का समर्थन मिल गया। RJD वाले ये आरोप लगा रहे हैं मोदी जी कि मुंबई केस का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि 80 विधायक हैं उनके पास, उनको निमंत्रण मिलना चाहिए था पहले। लालू जी ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे केसरीनाथ त्रिपाठी के निर्णय के खिलाफ। तो जाए ना, कौन मना करता, आज भी हाईकोर्ट में गए हैं, लोकतंत्र यूनाइटेड नेशंस जा सकते हैं, तो लालू जी को जहाँ जहाँ जाना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, कहीं भी जाएँ, उनके पास आंकड़ा तो है नहीं। कांग्रेस और RJD मिलकर 107 का आंकड़ा तो पार नहीं कर पा रहे, और हमने जब 132 के समर्थन का पत्र दे दिया उनको, तब इसके बाद क्या बचा था? और कल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आंकड़ा उनके पक्ष में है तो कल विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दें कि नहीं नीतीश कुमार के साथ नहीं, बहुमत हमारे साथ है। Well, there we have Sushil Modi stating the fact that more actions will be taken against Lalu Yadav. As a matter of fact, now the state government will also act against his Benami properties. In Patna with video journalist Suraj Prakash Singh for Republic.